हाँ मैडम, आपके नाम क्या है? सुगंधा पटेल। आप कहाँ से आए थे? रायगढ़ से आई हूँ। आप पता एड्रेस बोल दीजिए, क्या क्या हो रहा था? इनको पिछले 10 साल से प्रॉब्लम था और मैं बहुत जगह इलाज करवाया, बहुत हॉस्पिटल में गया, हर जगह का ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन किसी प्रकार का हमको रिस्पांस नहीं था। यहाँ हमको ये सब मैंने टीवी के माध्यम से मालूम हुआ, फिर मैंने फ़ोन ऑन किए, पता चला, फिर आए। आने के बाद में अभी हम लोग आए थे करीबन 25 रोज पहले, हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव था, चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ हम आए थे और इनका मैंने बाबा जी से ट्रीटमेंट कराए। 50% आराम मिला है अभी तक के, मान के चलिए कि 50-60 तक इनका मैंने परसेंट आराम है बीमारी। अच्छा। और अभी फिर आए हैं बाबा के पास, एक बार फिर बुलाए हैं और उम्मीद हमको है कि मैंने पूरा इनका इलाज मैंने बाबा के हाथों हो जाएगा और इनका दुख खत्म हो जाएगा बीमारी। मैडम आप थोड़ा बताइए, आपको क्या महसूस हो रहा है अभी? मैं जब यहाँ से गई हूँ डेली एक तो पेन किलर लेती थी, दर्द में इतना दर्द होती थी, असहनीय दर्द, सहन नहीं कर पाती थी। पेन किलर लेने के बाद एक दो घंटा तो आराम रहती थी, उसके बाद उतना ही चालू हो जाती थी। जब से यहाँ से गई हूँ मैं वही 50% कम हो गया है और पेन किलर नहीं लेती हूँ। मेरे को किसी प्रकार की दवा नहीं ले रहे हैं अभी, ना कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा है, हर 4-5 दिन में इनको इंजेक्शन लगता था। आपको उम्मीद है पूरा स्वस्थ हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमको उम्मीद है बाबा जी के ऊपर में, बाबा जी का कृपा के ऊपर में बिल्कुल, हमें पूर्ण हम आश्वस्त है कि हमारा बीमारी खत्म हो जाएगा। यहाँ आप जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, आपको जो यहाँ से जाके वहाँ पर जो मरीज है उनको, उन लोग के क्या संदेश आप? हम उनको चर्चा किए हैं, हमारे साथ में आने वाले थे, तो ये मान के चलिए हमारा लड़का पढ़ता है आपके माने भुवनेश्वर में, तो हम उनको नहीं लाए हैं अभी, फिर दोबारा जब हमारा ट्रिप होगा तो हमें कम से कम 50 आदमी को हम यहाँ लेकर के आएंगे। वो भी बहुत तकलीफ में है, बहुत कोई गरीब आदमी है, कोई इलाज नहीं करा पा रहा है, उस टाइप के बहुत माने ऐसे बीमारी वाले हैं जो इलाज नहीं हो पा रहा है, तो हमको उम्मीद है कि वो लोग भी आएंगे तो वो भी आराम हो जाएंगे यहाँ। धन्यवाद आप लोग का, यही हम लोग बाबा जी के यही तरफ से। बिल्कुल हमें विश्वास है बाबा जी के ऊपर और जो हमारा ट्रीटमेंट अभी तक जो हमारा सार्थक हुआ है, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी आदमी आएंगे सभी का इलाज बाबा जी के हाथों होगा और सभी आराम पाकर के यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया।